बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज देखने वालों पर खुदा उनकी सलामती हो। मैं बाबर इमैनुएल आसिफ आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम खुदा उनकी आवाज में। आज खुदा उनके कलाम की खिदमत को सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिसेस रजिया आमिर। आप चार्ज नर्स हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अरसा 21 साल से, और खुदा उनके कलाम की खिदमत को मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ कहीं भी आपको दावत दी जाती है वहाँ पर जाकर खुदा उनके कलाम की मुनाद और खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देती हैं। तो आज खुदा उनकी जिंदा आवाज को हम उनके वसीला से सुनेंगे। मसीह खुदा उनके जिंदा और जलाली नाम के वसीला से आप सबकी सलामती हो। मैं मिसेस आमिर सलीम खुदावंद की मुनादी के लिए यहाँ पे नेशनल न्यूज़ में आई हूँ। खुदावंद का जिंदा कलाम इम्साल की किताब उसका 13 बाब उसी 1-6 आयात तक पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। खुदावंद ने हर एक चीज़ खास मकसद के लिए बनाई है, हाँ शरीरों को भी उसने बुरे दिनों के लिए बनाया है। हर एक उससे जिसके दिल में गुरूर है खुदावंद को नफरत है, यकीनन वो बेसजा ना छोड़े जाएंगे। शफकत और सच्चाई से बदी का कफारा होता है और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुन जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। मैं खुदावंद के कलाम की डिस्क्रिप्शन इस तरह बताऊंगी कि खुदावंद ने कहा है कि अपना हर एक बोझ जो है वो मुझ पे डाल दो, अपनी सोचें अपनी फिक्रें अपनी सब जो काम जो हैं वो अपने इरादे जो हैं वो मेरे पर रखो तो देखो कि कैसे तुम्हें सरफराजी अता होगी। खुदावंद सरफराजी का खुदा है, हमारा खुदा जो जलाल का बादशाह है वो हर एक को सरफराजी से सरफराज करता है। और अगर हम हमें ये तरबियत दी गई है कि खुदावंद ने अगर हम जस्टिस करना जो है खुदावंद पर छोड़ दें, जस्टिस करना ना सोचें कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। हमारा खुदा अजीम खुदा है, वो ऐसा खुदा है कि हर एक चीज़ पे कादिर है। हम अगर कहें ना कि हम तो एक चीज़ को इधर से इधर नहीं कर सकते, वो तो पालनहार है। और खुदावंद इतना अजीम खुदा है कि हर एक बात में वो अपने नाम को जलाल देना चाहता है, क्योंकि हम उस जलाली खुदा जिंदा खुदा की इबादत करते हैं। एक मैं आपको मिसाल कोट करना चाह रही हूँ कि एक माँ अपनी बच्ची की तरफ से बहुत परेशान थी और कह रही थी कि मेरी बेटी इतनी गलत हो गई है कि खुदावंद तू उसे मार दे, और उसकी मौत की तालिब थी कि खुदावंद तू उसको मौत दे दे, इस तीन हालात में अपनी बेटी को देखती हूँ। तो वह एक पादरी साहब के पास चली गई। सबसे पहले पादरी साहब ने उसको बिठाया और ठंडा पानी दिया कि वो ज़रा बहुत परेशान थी अपनी बच्ची की तरफ से कि मेरी बच्ची किस तरह के हालात में चली गई है। और पादरी साहब ने कहा कि आप पानी पिए और बैठें, मैं आपसे बात करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि आप जो अपनी बच्ची के बारे में सोच रहे हैं वो उससे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। वो बच्ची अगर इस तरह है तो आप ये सोचें कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब के लिए खून बहाया है, और जब वो खून बहाया है तो हर एक के ऊपर वो क्या आया है, खुदावंद का जलाल आ गया। वो सफ़ेद लबादा जो है वो हम सब के ऊपर आ गया है। ये नहीं कि वो एक बच्ची हो, खुदावंद की वो बच्ची थी। अगर शैतान उसको खींच के लेके जा रहा है तो आप उसके लिए दुआ करें ना कि जस्टिस उसके लिए करें। इसलिए पादरी साहब ने उनको बिठाया और उनसे बात की कि ये आप उसके बारे में ना सोचें बल्कि ये देखें कि आपके खुदावंद ने उसके लिए खून बहाया है, और वो खून जो बहा है वो कलवरी पे खून बहा है। उस कलवरी के खून से उस बच्ची को भी शफा मिलेगी। आप हर जगह जा पे कि क्या कि ये मनादी करें कि मेरी बच्ची बहुत खूबसूरत है, मेरी बच्ची हर एक चीज़ को मानती है, बजाय इसके कि ये बताएं कि बच्ची बहुत ख़राब हो गई है। जब आप उसकी अच्छाई बताएंगे तो खुद खुद खुदा के लहू में छुप जाएगी।
और खुदावंद के लहू में जब वो छुपेगी तो खुदावंद उसको खुद ही सुरख रू करेगा। हम अपनी फिक्रों में लेके जाते हैं, ये कौन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। हमें इन चीजों की फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो पालनहार है, वो हर एक की फिक्र करता है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हमें इस चीज के बारे में सोचना नहीं है। इसी तरह वो अपने घर में गई और थोड़े दिनों के बाद उसकी बेटी वापस आई और कहने लगी कि मैं माँ खुदकुशी करने लगी हूँ। उसकी माँ ने उसे चर्च लेके गई, उसे वहां पे निजात का कलाम सुना और निजात के कलाम सुनने के वसीला से वो इतनी को पाक और बरगजीदा होगी कि खुदावन के लहू से धुल के उसने कहा है तुम्हारे गुनाह चाहे हो किरमजी, और वो बर्फ की माने धुल गई और खुदावन ने उसे एक एवेंजलिस्ट बना दिया। ये एक एवेंजलिस्ट की गवाही थी, उसने अपने बारे में ये गवाही दी थी। मैं इसलिए ये खुदावंद के कलाम को शेयर करना चाह रही हूँ कि खुदावंद ने कहा है कि मेरे ऊपर अपना बोझ डालो तो मैं तुम्हारे सारे बोझ अपने ऊपर ले लूंगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी बरकत दे और फजल बख्शे कि हम इधर उधर देखना छोड़ दें और खुदावंद के कलाम पे नजर रखें, क्योंकि दिन बुरे हैं और वक्त बहुत करीब है और खुदावंद हर एक को जानता है, हर एक के दिलों और गुर्दों को जांचने वाला बाप है। और खुदावंद इसी वसीला से हमें बड़ी बरकत दे और फजल बख्शे कि हम रोज़ बरोज़ खुदावंद के कलाम में तरक्की पाएं और अपने काम हर एक खुदावंद पे छोड़ें। हम छोटी सी दुआ करेंगे। बहरबर के खालिक मालिक यीशु, तेरा शुक्र करती हूँ इस मौका के लिए जो तूने बख्शा, मुझे फजल बख्शा कि खुदावंद तेरे नाम को और तेरी वंदना को गाऊँ और खुदावंद तेरी महिमा स्तुति गाऊँ, तेरे फजल को चाहूँ। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ तूने मुझे मौका दिया। खुदावंद तेरे सुंदर कलाम के लिए 100 का 100 गुना फल लाए। खुदावंद मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम के वसीला से। आमीन।